खबर नरवर से है, जहां हतेड़ा ग्राम पंचायत में महिला सरपंच अंगूरी बाई ने नियमों को ताख में रखकर अपने पुत्र दलवीर को सरपंच पद सौंपा। वार्ड के मेंबर और ग्रामीणों ने सरपंच पुत्र दलवीर रावत के साथ सचिव सुरेंद्र रावत और सहायक सचिव राजकिशोर बघेल पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत कार्यालय में सरपंच अंगूरी बाई की जगह पर उनका पुत्र कुर्सी पर बैठता है, सचिव और रोजगार सहायक उसी के कहने पर पंचायत का कार्य करते हैं। वार्ड मेंबर अगर अपने वार्डो की समस्या को लेकर सरपंच पुत्र और सचिव से गुहार लगाते हैं तो पंचायत कार्यालय उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। शासन की योजना के चलते वृद्ध और विवाह महिलाएं अपनी पेंशन के लिए जो है कई बार आवेदन देकर गुहार लगा चुकी है, लेकिन सचिव और सरपंच पुत्र और रोजगार सहायक गाँव की बुजुर्ग महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सरपंच पुत्र दलवीर रावत ने शासकीय राशि से निर्माण किए गए कूड़ेदान पर अपना नाम भी लिखवा दिया है। यहाँ पर बहुत गंदगी छा रही है, गली में कर नहीं पा रहे हैं, लेडीज नहीं कर पा रही हमारी, उसमें करते हैं घबरा ही है, तो परेशान है हमारी बूढ़िया, सब लोग परेशान कहते हैं हमसे भी कि मेम्बर साहब तुम्हारी वार्ड नंबर 2 में गंदगी छा रही है इधर, इसकी करवाओ। हमने भी आवेदन लगाया, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई पंचायत भवन में, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों हुए तो मैं नरवार फिर आई, क्यों हुए जिन फिर लाओ जी, मेरी सुनाई नहीं रहे। किस चीज के विषय में? वो पेंशन के विषय में, विधवा पेंशन के विषय में। विधवा पेंशन आपको नहीं मिल पा रही? नहीं मिल रही, 4 महीना से परेशान हो फिर रही हूँ मैं।